जी की फाइनली पूरा डेकोरेशन हो चुकी है, बड़े मंदिर गुरु जी को विश करने हैप्पी बर्थडे। सो गाइस फाइनली जस्ट अभी अभी निकला हूँ बिल्कुल मैं घर से, रात के 9 फाइनली गुरु जी का केक आ चुका और केक कैसे लग रहा है आप सब कमेंट करके बताना। हैप्पी बर्थडे टू यू। फाइनली जो गिफ्ट में आया है बहुत ही प्यारा स्वरूप गुरु जी का। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब, आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइज आज का जो व्लॉग स्टार्ट हो रहा है रात के 9:30 स्टार्ट हो रहा है और आज है 6 जुलाई, आज है मम्मी का भी बर्थडे, कल गुरुजी का बर्थडे है 7 जुलाई को। तो मैं तो गाइज 7 जुलाई को सेलिब्रेट करता गुरुजी के बर्थडे वाले दिन, बट आज आए हैं जीजू और जीजू आए हैं गाइज केक लेके। इन्होंने हमें बताया नहीं, सरप्राइज दिया है कि मैं केक लेकर आया हूँ और केक कट करवाएंगे पहले जीजू मम्मी का। सो आज 6 जुलाई है, आज मम्मी का बर्थडे है, मम्मी का बर्थडे आज सेलिब्रेट करेंगे और बाकी कल करेंगे गुरुजी के साथ, क्योंकि इतने अच्छे स्पेशल दिन बर्थडे है तो एक दिन बढ़ जाता है ना, तो हम एक दिन बढ़ा लेंगे। तो 7 जुलाई को ही मम्मी का बर्थडे भी सेलिब्रेट करेंगे। सो गाइज आज केक लाए जीजू, वो सेलिब्रेट करते हैं मम्मी का बर्थडे। तो चलो आप सब भी बने रहना व्लॉग में। सो मिलते हैं आप सबसे। अपना डेजी देख लो, फिर खेलना शुरू हो गया इसका, खाना पीना डन हो गया इसका। सो गाइस फाइनली हमारी बर्थडे कल आ गई मम्मी, चलो उठाओ। गाने नहीं चलते हमारे घर में। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे मम्मी। थैंक यू जीतर। मेरी दो बेटियों की कमी है, मेरी मुस्कान की और ईशा की। दिखाओ बस। कल भी सेलिब्रेट होगा मम्मी का बर्थडे, कल बड़ा सेलिब्रेट होगा। मत माता नहीं थी कोई पागल है सब बोला था। तो बहुत मम्मी सबको केक खिलाएंगे, मैं भी खिलाता हूँ। लव मी सही खिला देता। मैंने तो खुद ही खा लिया। मम्मी को पता है गाइस, एक बात बताऊं, मैं ही रख कैमरा। मम्मी को है ना बहुत टाइम आता है जब कोई मम्मी को है ना हाथ से केक खिलाता है तो। चलो तो मम्मी चक्कू से खिला रही है सबको केक। ये सीन तो भावना चाची के एनिवर्सरी पे देखा है मैंने। सबका झूठा खा रही है बंदी, सबका झूठा। और सब इन्हें, सब इनका झूठा इनके मुंह के ऊपर चाट रहा है। नहीं बनेगी। सो गाइस डेजी हमारी अंदर है, देखो अभी बाहर थी बट अब अंदर चली गई अपने केज में। फाइनली बर्थडे सेलिब्रेशन हो चुका मम्मी का, अब बस है ना डेकोरेशन करते हैं घर में, क्योंकि मॉर्निंग में मुझे बिल्कुल टाइम नहीं होगा। गुरुजी के आश्रम जाऊंगा बड़े मंदिर, और देखो डेजी को ये गोदी में आती है जब भी मैं बैठता हूँ ना। सो अब प्रिपरेशन करते हैं, मिलके करेंगे नित्य का। मैं नहीं करूंगी, तूने मना करा था कि मैं नहीं करवाऊंगा। नहीं मैंने क्या बोलता, मैं जब मैं पूजा कर रहा था भाई, देखो जब मैं पूजा कर रहा था, मैंने सब साथ करेंगे ना तो व्लॉग भी स्टार्ट रहेगा। सो अब चलो प्रिपरेशन करते हैं, कर लेंगे वैसे तो मिलके। चलो भाई अभी रात के 10 बज रहे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस आज 7 जुलाई है और अभी मॉर्निंग के बज रहे 9:30, तो 7 बजे से हम लगे हुए हैं डेकोरेशन करने के लिए, कल नहीं कर पाए थे। तो देखो गाइस अभी कंप्लीट होने वाली है थोड़ी डेकोरेशन, तो अभी कर रहे हैं हम सब, साक्षी और मैं कर रहे हैं हम दोनों, फिर रेडी होकर गुरुजी के आश्रम जाऊँगा बड़े मंदिर। सो अभी डेकोरेशन करते हैं, उसके बाद फाइनली डेकोरेशन आप सबको दिखाते हैं। फिलहाल अभी इतनी डेकोरेशन हुई है और अभी फ्लावर्स की अभी करूँगा, जब शावर आवर ले लूँगा ना उसके बाद फिर मैं फ्लावर्स की करूँगा। यहाँ चोला रखा है, माला रखी है गुरुजी की, ये फ्लावर वाले वो हैं गुब्बारे बलून, ये बाद में फुलाऊँगा शाम को जब बर्थडे सेलिब्रेशन करेंगे। सो अभी ऐसे करिए देखो डेकोरेशन, अभी गुरुजी का स्वरूप है ना छुपा रखा है, उसके बाद नहा धोकर जब मैं हटा दूँगा अभी ये। सो गाइस फाइनली कपड़े आ चुके हैं मेरे, बस जाता हूँ शावर ले आता हूँ, उसके बाद रेडी हो जाऊँगा, फिर गुरुजी के मंदिर चलेंगे, क्योंकि जितना टाइम होगा ना उतनी फिर वहाँ पर भीड़ होती रहेगी, करोड़ों की लाखों की भीड़ आती है। तो मैं सोच रहा हूँ जल्दी निकलता हूँ, 10 बज रहे हैं, 11-12 बजे तक निकल लूँगा मैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं बिल्कुल शावर लेकर रेडी हो चुका बिल्कुल, बस अभी बज रहे हैं 9:30। सो बस निकलते हैं अब मंदिर के लिए, घर में पूजा कर लेते हैं पहले गुरु जी की। फाइनली पूरा डेकोरेशन हो चुकी, तो मैं दिखाता हूँ आप सबको सिनेमैटिक।
शरण आए मांगे भक्त जनिए, शंभु शरण आए मांगे भक्त जनिए, कष्ट निवारो दया करो दर्शन शिव दे दो, दया करो अब तो दर्शन शिव दे दो। भोले भक्तों के दुख हरने वाले, भोले भक्तों के दुख हरने वाले, शुभ सबका प्रभु करने वाले, शुभ सबका। जब निकलूंगा ना मैं बड़े मंदिर के लिए तो मुझे 4 घंटे 5 घंटे तो चाहिए, क्योंकि है ना बहुत ज़्यादा मेट्रो में भीड़ भी होगी और कैब भी जल्दी से नहीं मिलेंगी, वहाँ कैब होती है ना, इसलिए तो मैं निकलता हूँ फिर और वहाँ चल के आपको दिखलाऊंगा, जहाँ जाके क्लिप ले सकता हूँ वहीं की क्लिप लूँगा, क्योंकि आप सबको पता है वहाँ कैमरा भी अलाउड नहीं है, कैमरा ओपन नहीं कर सकते ना, इसलिए तो चलते हैं बड़े मंदिर गुरु जी को विश करने हैप्पी बर्थडे। और यहाँ पर मैंने फाइनल डेकोरेशन कर दी, गुरु जी को भी विश कर दिया, सो चलते हैं गाइज, मिलते हैं आप सबको। भोले भक्तों के दुख हरने वाले, भोले भक्तों के दुख हरने वाले, शुभ सबका प्रभु करने वाले, शुभ सबका प्रभु करने वाले, फाइनली जस्ट अभी निकला हूँ बिल्कुल मैं घर से, सो बस अभी यहाँ से पहले मेट्रो जाएंगे, मेट्रो से फिर सीधा गुरुजी के आश्रम चलेंगे, और भाई पूरा रेडी हो गया था मैं, अभी बज रहे हैं जो सुबह के 11, सो चल के मिलते हैं आप सबसे। तो अभी मैं होटल लाइन में हूँ अपने घर की साइड ही, बस बाहर से रिक्शा करूँगा मेट्रो के लिए, फिर मेट्रो पर पहुँचते ही छतरपुर चलते हैं बड़े मंदिर। फाइनली मेट्रो में आ चुका, मेरी टिकट ले ली, बस अब छतरपुर चलते हैं सीधा, क्योंकि आज भीड़ भी होगी ना, संडे आज, इसलिए। सो फाइनली गाइज मैं पहुंच चुका था लाइन में, तो ये जो लाइन लगी हुई थी गुरुजी के आश्रम से बहुत ज़्यादा दूर, बहुत ज़्यादा दूर, कम से कम 5 किलोमीटर दूर ये लाइन लगी हुई थी। तो हम यहाँ से बहुत दूर थे, गुरुजी का आश्रम बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था, यहाँ कोई गांव था हम उस साइड थे। तो फिर हम धीरे धीरे गाइज यहाँ पर वेटिंग में बैठे, वेटिंग में वेट करा हमने, कब नंबर आएगा। तो यहाँ वेट करते 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 लाइन एक एक चल रही थी, उसके बाद फिर हमारा 2 घंटे बाद यहाँ नंबर आया, फिर गाइज हम यहाँ खड़े रहिए, यहाँ इतनी भीड़, बहुत भीड़ थी, करोड़ों लाखों की भीड़। सो फिर हमने यहाँ वेट करा कम से कम 2-3 घंटे, फिर फाइनली हम गुरु जी के आश्रम के गेट के सामने आए, तो हमने यहाँ देखा पल्ले पार भी बहुत भीड़ थी, 3-3 लाइनें चल रही थी, पहले एक लाइन, दूसरी लाइन, फिर तीसरी लाइन, फिर फाइनली गाइज हम पहुंचने वाले थे गुरुजी के आश्रम, और प्रतीक्षा करते करते हमारा हमारा नंबर आ चुका था 7 घंटे में। 7 घंटे में जब हम यहाँ आए तो जब हमें जाकर थोड़ी तसल्ली आई, और गुरुजी के दर्शन मुझे जरूर जरूर करने थे, सो ब्लेसिंग्स गुरुजी। तो गाइज फाइनली दर्शन हो चुके बड़े मंदिर के, बस घर चल रहे, मेट्रो में आ चुके हम, फाइनली बीकानेर पे आ गया मैं केक लेने, गुरुजी का आज बर्थडे है ना, तो गुरुजी के लिए केक देखते हैं आज। फाइनली हमने ये वाला केक, ये वाला पसंद आ रहा है, बाकी केक बहुत सुंदर है गुरुजी के, ये वाला नीचे वाला दे दो पहले, सो ये वाला केक मुझे पसंद आ रहा है, ठीक है। ये गाइस बिल्कुल फाइनली अभी आया हूँ मैं बड़े आश्रम गुरुजी मंदिर से, अभी बज रहे हैं रात के 9, और आज इतने ज़्यादा लेट हो गया था ना मैं, क्योंकि गाइस बहुत ज़्यादा लेट, वहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ थी, लाखों करोड़ों के, आप सबको व्लॉग में दिख जाएगा। और अब केक सेलिब्रेशन करेंगे, और क्या हुआ आखिरी में जाके, जब मेरे फ़ोन में अपने पेटीएम में पैसे दे रहा था ना मैं बीकानेर पे, आप सबको क्लिप दिखला रहा था मैं ये केक ले रहा हूँ, तो भाई सर्वे डाउन हो गए थे, मेरे जो बैंक है लिंक हुआ है मेरा अकाउंट उससे। सो अब नितिका जा रही है जीजू के साथ केक लेने, मैं पैसे दे दूंगा तो ये केक ले आएंगे, सो केक लाएंगे ना उसके बाद मिलते हैं, फिर केक सेलिब्रेशन करेंगे,
गुरु जी का। सो रेडी होते हैं गुरु जी का केक सेलिब्रेशन करने के लिए, तो चलो मिलते हैं गाइस। फाइनली सत्संग पूरा हो चुका गुरु जी का, तो 2 घंटे का सत्संग था और अब आरती करते हैं, फिर उसके बाद केक सेलिब्रेशन करेंगे। सो नित्यिका ने पूरी ये सजाई है रंगोली, बहुत प्यारी लग रही है। चलो आरती करते हैं, उसके बाद फिर हम केक सेलिब्रेशन करते हैं। फाइनली गुरुजी का केक आ चुका, और केक कैसा लग रहा है आप सब कमेंट करके बताना। ऊपर से थोड़ा केक ना वो डब्बे से दब गया था, तो ऊपर से थोड़ा ऐसा हो गया, बाकी केक देखो पूरा अच्छा लग रहा है, पिंक कलर का। गाइस केक सेलिब्रेशन करते हैं गुरुजी का। उस्मान ने दिलाई थी कल था, वो है ना एक और होगा ये तो पहला आया था, एक और होगा दीदी भी लाया था। देखिए दीदी लगाएंगे गुरुजी के साथ साथ, चला आ जाओ। Happy birthday to you, happy birthday to you Guruji। विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे गुरुजी, आप हम पर ऐसी अपनी असीम कृपा बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत शुक्राना गुरुजी। सो गाइस फाइनली केक सेलिब्रेशन हो चुका गुरुजी का, तो अब गुरुजी को भी केक खिलाते हैं और फिर पूरी फैमिली प्रसाद खाएगी केक मिलके। फाइनली मेरा प्रसाद आ चुका, केक प्रसाद, हलवा प्रसाद, और ये रसगुल्लों का प्रसाद, और ये रसमलाई का प्रसाद। गाइस केक लाए थे ना जब बीकानेर से, तो वहाँ से मिला है गिफ्ट, बहुत प्यारा, देखते हैं इसके अंदर क्या है, गुरुजी लिखा हुआ है, अंदर देखते हैं क्या है इसके। फाइनली जो गिफ्ट में आया है बहुत ही प्यारा स्वरूप गुरुजी का, वाओ, और भोलेनाथ जी हैं, शिव जी, वाहे गुरु जी। सो बहुत प्यारा गिफ्ट आया है बीकानेर वालों की तरफ से, तो थैंक यू सो मच बीकानेर ने इतना अच्छा गिफ्ट दिया। सो केक आया ना तो उसमें ही आया था ये गिफ्ट। सो गुरुजी का गिफ्ट है गाइस, गुरुजी के पास रख दिया मैंने। सो बहुत प्यारा लग रहा है, पन्नी हटा के दिखलाऊंगा जब ओपन करूंगा। फाइनली आज दिन आ गया गुरुजी का स्वरूप, ईशु दीदी के लिए बनवाया था मैंने गुरुजी का स्वरूप, और रिक्की जीजू के लिए देने के लिए। तो फाइनली गुरुजी के बर्थडे वाले दिन आज स्पेशल डे है, सो गुरुजी का स्वरूप दूंगा इशिका दीदी को, तो ओपन नहीं करूंगा, इशिका दीदी दिखलाएगी ओपन करके, तो फोटो भेज देगी, मैं डाल दूंगा फोटो। तो अभी पैक है, पैक ही दे देते हैं जीजू को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सो ब्लेसिंग दे रहा हूँ मैं आपको, पता है गुरु जी की ब्लेसिंग, इसलिए रोक रहा था। सो गाइस फाइनली बर्थडे सेलिब्रेशन हो चुका गुरु जी का, और ईशु दीदी को भी ना मैंने गुरु जी का स्वरूप दे दिया था। तो बस करते हैं ब्लॉग का एंड, और बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, तो बस सोएंगे, रात के बज रहे हैं अभी,
एक और व्लॉग अब एंड कर रहा हूँ मैं। सो गाइज मिलते हैं जल्दी न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, टाटा बाय बाय, लव यू।